Hello everyone, this is Kartha Sagar, and in this video I'm going to discuss the topic conditions for true ruling, which is in the context of steering. So as we know that steering mechanism has a function of providing angular motion to the wheels, so it provides the facility of taking turns. There is one more function is there, that is provide true rolling effect while cornering. So two functions hai. Pehla jo function hai that जब भी हम टर्न लेते हैं तो वहाँ पे एंगुलर मोशन चाहिए व्हील को, तो वो प्रोवाइड करेगा स्टीयरिंग मैकेनिज्म। और दूसरा जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोवाइड ट्रू रोलिंग। सो लेट मी डिस्कस यू फर्स्ट द थिंग ट्रू रोलिंग। तो यहाँ पे ट्रू रोलिंग इफेक्ट क्या है, दैट व्हाइल टेकिंग टर्न इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ट्रू रोलिंग टू द व्हील देन इट विल नॉट रोल, टायर विल नॉट रोल बट इट विल स्किड और स्लिप। So while taking turn, we have to keep that angle at a certain way, angle in a certain way, so there will be no skidding or slipping while taking turn. तो true rolling effect के अंदर जो main objective है कि जब भी हम tire हमारा जब घूमेगा, so due to अगर true rolling effect के हिसाब से हमने angle set नहीं किए तो ये tire जो है वो skid करेगा while taking turn, यानी turn लेंगे तब slip कर सकता है और स्किड कर सकता है, देर विल बी नॉट ट्रोलिंग रोलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे टायर की रोलिंग इफेक्ट प्योर नहीं आएगी, सो फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग ट्रू रोलिंग इफेक्ट। सो लेट्स बिगिन दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रू रोलिंग। सो क्या फंक्शन है, दैट देर विल बी नो स्किडिंग और स्लिपिंग वाइल टेकिंग टर्न, that is true rolling. So let's understand how it is done. So you can see one diagram over here, and here this is rear wheels, पीछे के जो tire है, and these are front wheels. So ये front wheels है and these are rear wheels, and vehicle is taking turn in leftward left direction, आप देख रहे हो। सो दिस इज द इनर व्हील एंड दिस इज द आउटर व्हील, ओके, एंड दिस इज पिवट्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्टीयरिंग मैकेनिज्म। नाउ स्टीयरिंग मैकेनिज्म कैन बी एकरमैन और डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म। सो उसका भी मैंने वीडियो जो है वो आप पहले देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दैट इट इज हैविंग स्टीयरिंग डेविस स्टीयरिंग और एकरमैन स्टीयरिंग। सो इन बोथ केसेस देर विल बी पिवट जॉइंट्स। तो जो पिवट जॉइंट्स है जहाँ पे हमारा जो व्हील है दैट इज कनेक्टेड विथ द स्टीयरिंग मैकेनिज्म, एंड हियर द डिस्टेंस बिटवीन टू पिवट्स इज सी, एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ टू रेयर व्हील्स दैट इज कॉल्ड व्हील ट्रैक। यानी हमारा जो व्हील का व्हील जब चलेगा तो वो जो आएगा दैट डिस्टेंस इज व्हील ट्रैक, that is a denoted by a, and this is wheel base distance between front wheel and rear wheel. So starting mein jab hamara wheel aise hoga, jab we are going on a straight road, when we are moving on a straight road, and while taking turn that wheel will change the his position like this. Now as we know that outer wheel has to travel more distance and inner wheel has to travel less distance, inner under ka jo tire hai wo kam distance travel karega jab turn lenge, to bahar ke डिस्टेंस को ज़्यादा आर्क पे चलना पड़ेगा तो डैट विल कंज्यूम मोर डिस्टेंस, इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस। इसका स्पीड भी ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, इनर व्हील से कंपेयर में आउटर का, मगर एंगल की बात करें तो इनर व्हील को ज़्यादा एंगल पे मूव होना पड़ेगा बाहर के कंपेयर में, देन एंड देन वी कैन अचीव अ ट्रू रोलिंग इफेक्ट। ट्रू रोलिंग के लिए यहाँ पे अंदर का व्हील जो है दैट इज मूविंग विथ एंगल ऑफ थीटा एंड आउटर विथ एंगल ऑफ फाइव। नाउ वॉट इज दिस पॉइंट आई, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर, यानी ये जो सेंटर है अबाउट दैट यहाँ पे हमारी जो एक्सिस ऑफ पिवट के साथ जो व्हील का कनेक्शन हुआ है उसका जो एक्सिस है, यानी रोलिंग इफेक्ट फ्रंट व्हील का रोलिंग का जो एक्सिस है और रेयर व्हील का जो रोलिंग एक्सिस है, बोथ आर मस्ट बी मेट एट वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो हमारे जितने भी व्हील है उसकी रोलिंग एक्सिस जो है आपको दिख रही है वो आई पॉइंट पे मिल रही है,
तो वो अगर आई पॉइंट पे नहीं मिलेगी तो हमारा ट्रू रोलिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो दैट इज़ द सफिशिएंट कंडीशन, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। अगर ये व्हील का जो एक्सिस है वो यहाँ नहीं मिलेगा और कहीं और पॉइंट पे जाएगा, देन देर विल बी स्किडिंग और स्लाइडिंग। सो दिस इज द सर्टन टर्म्स एंड डिस्टेंस ऑफ इनर पिवोट टू द इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एक्स। सो दिस इज आर बेसिक डायग्राम। तो याद रखना है व्हील ट्रैक है जो हमारा दो फ्रंट दोनों रियर व्हील या दोनों फ्रंट व्हील का जो ट्रैक डिसाइड करता है वो है ए, और बी जो है वो व्हील बेस है फ्रंट व्हील और रियर व्हील का बीच के डिस्टेंस। और आई पॉइंट जो है दैट इज द रोलिंग एक्सिस, जहाँ पे हमारे जितनी भी टायर्स है उसके रोलिंग एक्सिस मैच करेंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर। इनर का जो एंगल है अंदर के टायर का दैट इज थीटा, एंड आउटर का है जो फाई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है। नाउ लेट्स डिराइव द फॉर्मूला फॉर कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग, जो डिराइव करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगल, तो पहला जो ट्राइंगल है दैट पॉइंट आई, अभी यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है तो नाम दे देता हूँ, दैट पीवोट, दिस इज पीवोट ए, दिस इज पीवोट बी, जहाँ पे हमारा मैच हुआ है। और यहाँ पर ये ट्रैक का है, ये व्हील बेस है, और ये हमारा ए बी पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं सी एंड पॉइंट डी जहाँ पे कनेक्शन हुआ है, और दिस इज आई पॉइंट। तो अगर ट्राइंगल देखे, फ्रॉम ट्राइंगल आई बी एंड डी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल आई बी डी, दिस इज द ट्राइंगल। तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखे, नाउ वी आर राइटिंग फॉर्मूला फॉर कॉट, ओके वी कैन राइट फॉर टेन टू। तो कॉट के लिए लिख रहे हैं कॉट थीटा, सो फॉर कॉट थीटा वी नो दैट दैट इज अपोजिट ऑफ वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा दैट इज अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, यानी सामने वाली साइड डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है हमारे पास वाली साइड का, दोनों का जो डिस्टेंस है उसका हम अगर डिवीजन निकालेंगे एक, तो डैट विल बी टेन थीटा। तो ये टेन थीटा जो है वो डैट इज बी डी ओवर डी आई डी, बी डी ओवर आई डी, तो इस ये टर्म ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी वन आई डी ओपन बी डी। नाउ वॉट इज आई डी, डैट इज दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है डैट इज एक्स प्लस सी, सो एक्स प्लस सी, एंड दूसरा जो डिस्टेंस है डैट इज बी डी, बी डी जो है हमारा डैट इज बी टू डी, डैट इज व्हील बेस बी, सो दैट इज बी। सो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला है एक्स प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अंदर का जो ट्राइंगल लिया है उसमें हमें जो फॉर्मूला मिला है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड ट्राइंगल दैट इज आई सी आई एफ सॉरी ए एंड बॉटम पॉइंट ऑफ हियर सी आई ए सी, सो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ये अंदर का, सो ट्राइंगल आई ए सी, सो उसके अंदर भी सेम हम कॉट ढूंढ रहे हैं कॉट, मगर यहाँ पे हमारा जो एंगल है, सॉरी ये हमें फाई का वैल्यू मिला था, सॉरी वहाँ पे एंगल जो था वो फाई था, और यहाँ पे हमारा ट्राइंगल जो है उसमें एंगल है इनर व्हील का थीटा, सो कॉट थीटा मिलेगा फ्रॉम दिस, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो उसके अंदर जो आएगा अभी डायरेक्टली यहाँ जिस तरह से लिखा है उसी तरह से लिख देते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो था कि हमारा आई आई डी ओपन बी डी, तो इसके अंदर भी हमारा आई डी की जगह पे डिस्टेंस जो है आई डी की जगह पे आई आर हो जाएगा, सॉरी आई सी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस रहेगा ए आर सॉरी ए सी, सो दैट ए सी इज सेम बी, हमारा ए सी जो है वो बी है, और ये डिस्टेंस जो है वो डैट इज एक्स, तो यहाँ से मिला है एक्स ओपन बी, सो दिस इज कॉट थीटा, ये इक्वेशन नंबर टू है और ये इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया हमने, पहले जो ट्राइंगल लिया वो लिया हमने आई डी एंड बी, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा था जिसमें फाई एंगल था, दूसरा जो ट्राइंगल लिया जिसमें आई ए और आर बी सी लिया जिसके अंदर थीटा एंगल था, तो दोनों के लिए कॉट का वैल्यू निकाला है, तो कॉट की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे आ गई है दैट इज एडजेसेंट साइड टू द अपोजिट साइड, जस्ट अपोजिट टू टेन थीटा, टेन थीटा इज
अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, तो इसमें एडजेसेंट साइड टू द अपोजिट साइड, तो यहाँ पे हमारा दो दो फॉर्मूला मिल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले तो दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं। cot phi इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डिवाइड बाई बी, दैट इज इक्वेशन नंबर वन, एंड cot थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई बी, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द टर्म्स, सो cot phi इज इक्वल टू एक्स ओपन बी प्लस सी ओपन बी, वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन सिंप्लीफाई लाइक दिस। ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। Now, as we know, x upon b, that is cot theta. So, cot phi, we can substitute the value of x upon b is equal to cot theta, that is cot theta plus c divided by b. I just substitute the value of cot theta is equal to x upon b. So, yahan pe value jo hai, uska rakh diya hai, x upon b ka. So, we can bring this term to this side, like, so it will be in plus... addition, so it will be subtract. So cot phi minus cot theta, that is equal to c upon b. So this is the condition for true rolling. अगर true rolling चाहिए तो हमारा जो wheel base है और हमारा जो pivot angle है और हमारा inner wheel और outer wheel का जो instantaneous के साथ जो angle है, inclination है, वो चार value से हमारा true rolling decide होगा। ठीक है, सो दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे मैं इक्वेशन की फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मगर आप ड्राइंग देखो तो ड्राइंग से आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी हमारा रोलिंग का जो एक्सिस है सारे व्हील का, वो आई पॉइंट पे अगर मिलेगा वाइल टेकिंग एनी एंगल, कोई भी टर्न ले ले, तो ये जो व्हील का जो इंक्लिनेशन होने वाला है उसका एक्सिस जो अगर आई पॉइंट पे मिलेगा, तो देन देर विल बी नो स्कीडिंग और स्कीपिंग स्लाइडिंग, देर विल बी ट्रू रोलिंग। ठीक है, अगर इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला एंड वॉट इज ट्रू रोलिंग बेसिकली। सो होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियो। थैंक यू।